स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूँ रीता और आज मैं आपको बताने वाली हूँ चना दाल से प्याज के पकौड़े कैसे बनते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। पकौड़ी बनाने के लिए ये 200 ग्राम चने का दाल लिए हैं इसमें, और ये चावल मेरे पास था तो चावल ही डाल दिए हैं, 4 चम्मच अरवा चावल, और ये 4-5 घंटे के लिए फुला दिए हैं। अब ये फूल के तैयार है, अब इसको ग्राइंडर में पीस लेना है पकौड़े बनाने के लिए। चावल डालने से पकौड़े कुरकुरे क्रिस्पी बनेंगे। ये 3 हरी मिर्च हम ले लिए हैं, इसको तोड़ के ऐसे डाल दीजिए, 7-8 कली लहसुन के ये भी डाल दिए हैं, इसको पीस लेना है। इसमें पानी डाल के पीस लेना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं। ये पकौड़े के लिए दाल पिसा गया है, अब इसमें 2 प्याज लेना है, प्याज को पतला पतला काट लेना है, इसमें डाल दीजिए। हरी मिर्च 3 छोटे छोटे इसको काट लेना है पकौड़े के लिए। और ये हमारा प्याज का पत्ता है, पकौड़े में बहुत अच्छा लगता है, इसको भी डाल दीजिए। ये हल्दी है, ये 1/2 चम्मच जीरा पाउडर है, फिर ये गोलकी पाउडर है 1/2 चम्मच। जैसा खाते हो, तीखा है ज़्यादा खाते तो थोड़ा ये डाल दीजिए। 1 चम्मच ये नमक डाल देना है, अब स्वाद अनुसार आपको जैसा अच्छा लगे। इसको मिक्स कर लेना है, इसको ऐसे ऐसे करके मिक्स कर लीजिए, पूरा मिक्स हो जाना चाहिए। पकौड़े तलने के लिए हम सरसों तेल ले लिए हैं, तेल गर्म हो रहा है। छोटे से छोटे साइज में अपना इसमें पकौड़े तल लीजिए। देखिए एकदम गोल्डन ब्राउन होना चाहिए, चलो पकौड़े ये तैयार हो जाएंगे। हाई फ्लेम में ही इसको बनाइए, पकौड़ा तलिए, और धीरे धीरे इसको स्लो भी बीच बीच में कर दिए ताकि जले नहीं। देखिए मेरा बन के तैयार है पकौड़ा, कितना अच्छा पकौड़ा बन के तैयार है। देखिए अब इसको निकाल दीजिए। यहाँ मैंने सरसों का तेल में ही तला है, आपको यदि रिफाइंड पसंद है तो आप रिफाइंड में भी बना सकते हैं। देखिए ये पकौड़े बन के रेडी हो गए तैयार खाने के लिए। अब मैं हरी चटनी धनिया का चटनी बनाने जा रही हूँ, इसके साथ धनिया का चटनी बहुत अच्छा लगता है। पकौड़े के लिए मैं चटनी बनाने जा रही हूँ, यहाँ धनिया पत्ता ली हूँ, ये हरी मिर्च है, ये लहसुन है, ये 1 टमाटर है, इसको मिक्सी में पीस लेना है, और इसमें 1 टमाटर भी डाल देना है। और ये आपका हरी मिर्ची है 2 है, 4-5 कली ये लहसुन की है, इसको मिक्सी ग्राइंड में पीस लेना है। नमक डाल रही हूँ, अब स्वाद अनुसार आपको जैसा अच्छा लगे मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ चलो, और थोड़ा सा तेल डालना है। देखिए सरसों का तेल है, करीब 1/2 चम्मच के करीब लेना है, ज़्यादा नहीं, इसको ऐसे मिक्स कर दीजिए।
अब पकौड़े के साथ ये चटनी खाइए, धनिया की चटनी पकौड़े के साथ अच्छा लगेगा। हरे धनिया की चटनी, आपको मीठा चटनी पसंद है मीठा भी रख सकते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे।